दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप लैपटॉप यूज़ करते हैं, डेस्कटॉप यूज़ करते हैं, तो कभी कभार ऐसा होता है कि कंटिन्यू अगर आप यूज़ नहीं करते हैं तो उसका जो लॉगिंग पिन होता है या पासवर्ड होता है आप उसको भूल जाते हैं, ठीक है। फिर उसको रीसेट करने का अलग अलग जुगाड़ लगाते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जब आप माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के साथ उसको लॉगिन करके उसमें पिन वगैरह देते हैं तो वहाँ से रिकवर वगैरह हो जाता है। अगर वो कोई रिकवरी फ़ोन नंबर वगैरह दिया रहता है या उसमें कोई पिन डाल देने से वहाँ से रिकवर हो जाता है। और ही बहुत सारा मेथड है, बूटेबल पेन ड्राइव लगा के जो ऑपरेटिंग सिस्टम को होता है विंडोज 7, 8, 9, 10, 11, ये जितना सारा चीज़ है ना सब उसमें बूटेबल पेन ड्राइव लगा के वहाँ पर ही यूटिलिटी मैनेजर में जाके वहाँ से उसको एक्सेस करवा लिया जाता है कमांड प्रॉम्प्ट में। एक्चुअली हम इस वीडियो में वही बताने जा रहे हैं कि अगर आपका विंडोज़ लॉगिंग पिन या पासवर्ड वगैरह आप भूल जाते हैं तो आप उसको कैसे रिसेट करिएगा, आज इस वीडियो में यही बात करने जा रहे हैं। वेल दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत में ही आपको हम बता दें इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ ज़रूरत पड़ने वाली है। एक तो आपका पेन ड्राइव का ज़रूरत पड़ेगा, एक आपका ISO फाइल है वो हम बता दें कहाँ से डाउनलोड करना, और एक बूटेबल सॉफ्टवेयर का ज़रूरत पड़ेगा, रूफस, ठीक है। ये तीनों चीज़ आप किसी भी सिस्टम, मान लिया आपका सिस्टम तो खुल नहीं रहा है लेकिन आप किसी अपना दोस्त वगैरह का PC में एक बार आप बूटेबल पेन ड्राइव बना लीजिएगा ना, तो उस बूटेबल पेन ड्राइव से आप किसी का भी PC अगर इस तरह का प्रॉब्लम फेस करता है तो उसको आप आराम से खोल सकते हैं। एक बार आपको बूटेबल पेन ड्राइव बनाना पड़ेगा। वो बूटेबल पेन ड्राइव बनाने का तरीका क्या है वो भी हम बता दे रहे हैं, कैसे बनाइए और कहाँ से ये सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करिएगा। तो चलिए फटाफट हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस मत करिएगा। जहाँ पे क्लिक करिए आपको वेबसाइट मिल जाएगा। अब यहाँ पे जाने के बाद डाउनलोड वाला जो मेनू है उसको पर क्लिक करते हुए नीचे की तरफ आइए। देखिए यहाँ पर ये हर चीज़ आपको दिखा दे रहा है, 64 वर्जन समथिंग दिखा रहा है। अब नीचे में आइएगा तो आपको फाइल नेम दिखा देता है, ISO फाइल 64 बिट का। इसको पर आपको क्लिक करना है, ऐड वगैरह है तो इसको स्किप कर दीजिए। देखिए इसको पर क्लिक करना है और यहाँ से देखा ISO फाइल जो है ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। इसको आप सेव कर लीजिए। देखिए नीचे की तरफ डाउनलोड हो रहा है, थोड़ा सा वक्त लगेगा, इसको एक बार आप डाउनलोड कर लीजिए। अब लगे हैं, चलिए हम लोग जो सॉफ्टवेयर का यूज़ करने वाले हैं बूटेबल बनाने के लिए रूफेस, इसको भी हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। ये काफ़ी छोटा सॉफ्टवेयर है और ये बूटेबल बनाने का काम करता है। इसको पर क्लिक करिए और नीचे की तरफ आइए। देखिए यहाँ पर 1.3 MB का रूफेस है, 3.20, इसको भी आप डाउनलोड कर लीजिए। अब ये डाउनलोड हो रहा, हम वीडियो को पॉज करते हैं, जब डाउनलोड हो जाता है फिर से आते हैं। वेल यहाँ पे देखिए ISO फाइल हमारा डाउनलोड हो चुका है और इसका देखिए आपको प्रॉपर्टी में कितना साइज़ है और रूफेस दोनों हमारा डाउनलोड हो चुका है और हमारा डेस्कटॉप में पड़ा हुआ, ठीक है। अभी हम इसको बूटेबल बनाते हैं। ये PC दूसरा का PC हम यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारा PC तो लॉक है, तो हम किसी दूसरे PC में हम इसको ये कर देते हैं और पेन ड्राइव को हम लोग इंसर्ट कर लेते हैं इस सिस्टम में और यहाँ पे हम रूफेस को रन करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको ड्राइव बता देता है, हाँ, आपका जो ISO फाइल है वो आप ऑलरेडी डेस्कटॉप में रखे हैं, आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और ISO फाइल को यहाँ से ले लीजिए। चलिए ISO फाइल आपका सेलेक्ट हो गया, आपका पेन ड्राइव भी लगा हुआ, पेन ड्राइव लगा लीजिएगा। अब यहाँ पर एक तो फंडा आ जाता है GPT और MBR का। GPT और MBR जो होता है फाइल सिस्टम का जो होता है पार्टीशन स्कीम स्टाइल होता है, इसको हम लोग कंप्यूटर मैनेजमेंट में जाके नीचे में रन में आप लिखिए कंप्यूटर मैनेजमेंट, यानी कि फाइनली आपको डिस्क मैनेजमेंट में जाना है। डिस्क मैनेजमेंट जाने के बाद यहाँ पर जितना भी डिस्क आपका सिस्टम में लगा होगा वो तो दिखाई देगा जिसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है। देखिए डिस्क 0 में हमारा इंस्टॉल है, इसको पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाते हैं, वैल्यू का ऑप्शन आता है,
वॉल्यूम का ऑप्शन आता है। यहाँ पर आप देख लीजिए पार्टीशन स्टाइल में GPT लिखा हुआ है, और अगर आपके सिस्टम में MBR लिखा रहेगा तो उसको भी आप देख लीजिएगा। खैर, हम यहाँ पर GTP को ही रहने देते हैं, और बस और कुछ करना नहीं है, जस्ट स्टार्ट में हम लोग क्लिक करते हैं, और ये बताया कि जो भी आपका पेन ड्राइव में हो वो फॉर्मेट हो जाएगा। अगर इंपॉर्टेंट है तो इसको आप लेके रख सकते हैं, उसके बाद पेन ड्राइव को फॉर्मेट कर दीजिए। खैर, यहाँ पर ही प्रोसेस करने में हो सकता है 10 से 15 मिनट लगे, तब तक के लिए हम लोग देख लेते हैं। चलिए, हमारा बूटेबल पेन ड्राइव तो बन गया है, और हमारा PC में जाके देखिए, ये हमारा हीरेन बूट का बूटेबल पेन ड्राइव बन गया है। अब चलिए हम लोग अपना फाइनल काम करते हैं, हम अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप की तरफ चलते हैं, जो ऑलरेडी यहाँ पर ही पिन हमको रिसेट करना है। वेल दोस्तों, देखिए, अब मान के चलिए कि ये हमारा जो सिस्टम है इसका पिन हम भूल चुके हैं, हम इसको रिस्टार्ट करते हैं। नॉर्मली होता क्या है कि इस तरह से आप जब खोलते हैं बहुत दिन के बाद अपना कंप्यूटर, तो हो ही सकता है कि आप भूल गए हैं। तो नॉर्मली जब हम लोग खोलते हैं तो देखिए कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, विंडोज़ खुल रहा है, और यहाँ पर आपका यूज़र नेम रहेगा और बोलेगा कि पिन डालिए, कुछ इस तरह से आएगा। अब मान के चलिए कि हम पिन भूल चुके हैं, ठीक है, आपको रीसेट करना है। तो देखिए, मान लीजिए यहाँ पर हम कुछ भी पिन डालते हैं तो यहाँ पर बता देता है कि भैया पिन इज़ नॉट करेक्ट और इनकरेक्ट पिन, तो इसको हमको फिर से रिस्टार्ट करना है। और जो बूटेबल पेन ड्राइव अभी बनाए हैं उसको आप इंसर्ट करके रखिए, ठीक है, और बूट की को प्रेस करिएगा। बूट की अलग अलग कंप्यूटर का अलग अलग हो सकता है, मेरा कंप्यूटर में F12 है, तो रिस्टार्ट जैसे कि हम अपना कीबोर्ड से F12 प्रेस करते गए, तो जो भी हमारी USB लगा होगा, पेन ड्राइव लगा होगा, उसको हमको सेलेक्ट करके ही आगे बढ़ना है। तो हमारे केस में जो भी हमारा लगा हुआ हीरन बूट का जो पेन ड्राइव हम बनाए थे, ठीक है, वो लगा हुआ है, तो यहाँ पर ही हमारा तो पिन तो चल नहीं रहा है, ठीक है। अब इसको हम लोग कुछ इस तरह से जब जाएंगे तो हमारा जो बूटेबल पेन ड्राइव है उससे हमारा सिस्टम बूट हुआ है, ठीक है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं खुला है। यहाँ पर ही कुछ इस तरह से आएगा, ये जितना भी आप देख रहे हैं डेस्कटॉप में आइकॉन वगैरह, ये हीरन बूट जो है उसी का है, और वही खुला है, एक्चुअली आपका विंडोज़ नहीं खुला है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, ऑल प्रोग्राम में स्टार्ट से जाइएगा, ऑल प्रोग्राम में जाने के बाद यहीं पर यह सारा का सारा फंडा है, लेकिन आपको सबसे पहले बूट करवाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी का एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ जाने के बाद पासवर्ड का ऑप्शन मिलता है, और नीचे में देखिए एंटी पासवर्ड का जो है ऑप्शन, इसको ऊपर जस्ट आपको क्लिक करना है, बस यही फंडा है। यहाँ जाने के बाद आपको चूज़ कर लेना है आपका यूज़र नेम, ठीक है। तो चलिए हम लोग यूज़र नेम चूज़ कर लेते हैं, जो भी आपका होगा। हमारे यूज़र नेम एक्चुअली था SABBI, सब्बी, ठीक है। आपका केस में जो भी यूज़र होगा वो आपको जानना होगा, ठीक है। तो ये वाला चीज़ है हमारा सब्बी है, ठीक है। आप अगर कन्फ्यूज़न में हैं तो आप कोई भी ट्राई करके देखिए, उसको ऊपर जैसे ही क्लिक करिएगा आपको नया पासवर्ड को सेट करने का ऑप्शन दे देगा, आप कर दीजिए। हम यहाँ पर 1 2 3 4 लिख देते हैं, दो बार हमको लिखना पड़ेगा और ओके कर देना होगा। तो अब जब हम लोग यहाँ से, अब इसको सेव कर दीजिए याद से, अब यहाँ से हम लोग एग्ज़िट कर जाते हैं। यस, चेंज रिसेट, और यहाँ से हम लोग एग्ज़िट कर जाते हैं। आप रीसेट कर दीजिएगा, हमारा ऑलरेडी तो रनिंग है। अब यहाँ से रीस्टार्ट करते हैं, जब रीस्टार्ट अप करिएगा तो आप जो भी यहाँ पर पासवर्ड दिए होंगे फ़िलहाल, ठीक है, हम पूरा फंडा वही बता रहे हैं जो आपका केस में होगा। हमारा ये जो सिस्टम है बिल्कुल सही चल रहा है, हमको पासवर्ड भी याद है, पिन भी याद है, सारा चीज़ याद है, जस्ट हमको फंडा बता रहे हैं आपको कैसे कैसे जाना है, कहाँ कहाँ से जाना है। यहाँ पर ही आइएगा, जो भी आप पासवर्ड अब दिए होंगे फिर से कुछ इस तरह से आ जाएगा, और यहाँ पे आपको लिख देना है 1 2 3 4। देखिए कुछ इस तरह से आपका खुल जाएगा, आपका नया पासवर्ड रेडी हो चुका है। वेल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो आप ज़रूर से ज़रूर इसे लाइक करें, और अपने दोस्तों को भी भेजें जो इस तरह का प्रॉब्लम को फेस कर चुके हैं या करने वाले हैं। देखिए, आपके पास अगर लैपटॉप वगैरह है तो ऐसा है, तो कॉमन प्रॉब्लम है, ऐसा होता ही है। तो फिर से आपको रीसेट करने के लिए अगर कुछ नहीं समझ में आता है लोग तो उसको फॉर्मेट कर देते हैं। तो खैर, ये वीडियो में इतना ही, चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।